बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान आरबानी एकेडमी। व्यूज़, जैसे कि हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 करें, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसकी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि एफ़ क्यू इक्वल है पी एफ अपान पी माइनस 6, देन फाइंड क्यू वेयर पी इक्वल है 10 के और एफ़ इक्वल है 30 के। तो हमें क्यू फाइंड करना है जबकि पी और 10 पी का जो वैल्यू दिया गया है 10 है और एफ़ का जो वैल्यू है ये 30 है। तो आइए करते हैं, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू का। तो करते हैं, क्यू वैसे लिखेंगे और ये पी की जगह पे पी का वैल्यू रखेंगे जो कि है 10। अब ये पी और एफ़ मल्टीप्लाई में, तो इनके वैल्यू भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एफ़ का वैल्यू क्या है, 30 है, 30 और अपान में पी का वैल्यू रखेंगे 10 और माइनस क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो अब क्यू इज़ इक्वल टू, जब हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 300 होगा, ठीक है। और 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो अब Q इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 300 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 300 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल जो है 30 पे 7 टाइम जाएगा, ये 28 होगा, 2 इधर जाएंगे तो 20 हो जाएगा ज़ीरो के तरफ, तो 20 पे ये जो है 4 का टेबल वो 5 टाइम जाएगा। तो ये हो गया क्यू का जो क्यू है, ये हमने क्यू फाइंड कर लिया, क्यू का आंसर है 75। तो मैंने मल्टीप्लेक्शन की ट्रिक में बताता हूँ यहाँ पे किस तरह मल्टीप्लाई करनी है। अब 10 मल्टीप्लाई 30, अब फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये लास्ट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देंगे, 0 0 द क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 द 0 हो जाएगा, 1 0 द 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 रखेंगे तो ये क्या आ गया, 300 आ गया। ये ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, मेरा चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।